बॉलीवुड में क्लैश होना अब आम बात हो गई है। हर कोई अपनी फिल्म को क्लैश होने से रोकने में लगा रहता है ताकि उसकी फिल्म के बिजनेस पर कोई असर न पड़े। ऐसा ही कुछ श्रद्धा कपूर ने भी किया था। दरअसल श्रद्धा की फिल्म हसीना द क्वीन ऑफ मुंबई पहले रणबीर कपूर की फिल्म जग्गा जासूस से टकराने वाली थी, लेकिन श्रद्धा ने अपनी इस फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया था। वहीं अब सुनने में आ रहा है कि श्रद्धा की ये फिल्म अब 18 अगस्त को रिलीज होगी। लेकिन परेशानी वाली बात तो ये है कि श्रद्धा को अब एक नहीं बल्कि दो एक्ट्रेसेस से बॉक्स ऑफिस पर टकराना पड़ेगा। अरे भाई, हम बात कर रहे हैं कृति सनन और हुमा कुरैशी की। सुनने में आ रहा है कि कृति की फिल्म बरेली की बर्फी और हुमा की फिल्म पार्टीशन 1947 भी इसी दिन रिलीज हो सकती है, यानी लोगों को इन तीनों के बीच में बॉक्स ऑफिस पर जंग देखने को मिल सकती है। वैसे आपको बता दें कि अगर तीनों ही फिल्में आपस में टकराई तो इनके बिजनेस पर काफी असर पड़ सकता है। खैर, अब ये देखना बाकी दिलचस्प रहेगा कि बॉक्स ऑफिस पर 18 अगस्त को श्रद्धा, कृति और हुमा में से किसकी जीत होती है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।